हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आर्किला में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर की अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूस सपोर्ट। अगर अभी तक आपने इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पेंट की वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप दोनों वीडियो को देख सकते हैं। उन दोनों वीडियो में हमने इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पेंट्स के बारे में कंप्लीट में डिस्कशन किया हुआ है। सो अगर आप उन दोनों की वीडियो देख लेंगे तो आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक्सटीरियर पेंट्स हमें कौन सा परचेस करना चाहिए एंड इंटीरियर पेंट्स हमें कौन सा परचेस करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कलर स्कीम के बारे में, एंड स्पेसिफिकली हम मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो हमारे पास जो है कई तरह के कलर स्कीम्स हैं, लाइक एनालॉगस कलर स्कीम, मोनोक्रोमेटिक, ट्राइडिक, कंपाउंड, ठीक है। सो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन, बट इस वीडियो में हम सिर्फ मोनोक्रोमेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम समझते हैं मोनोक्रोमेटिक कलर होता क्या है। सो जो मोनोक्रोमेटिक वर्ड है ये दो वर्ड से बना हुआ है, मोनो दैट इज सिंगल, क्रोमेटिक दैट इज कलर। सो मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर। सो ये जितनी भी मोनोक्रोमेटिक कलर होते हैं ये सिंगल कलर से बनते हैं। नाउ अब बात आती है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट कलर बनाते कैसे हैं। सो उसके लिए सबसे पहले चीज़ क्या है, दो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, एक होता है टिंट, एक होता है शेड, ठीक है। सिंपल अगर भाषा में आपको मैं समझाऊँ तो जैसे मान लीजिए कोई एक कलर हम लेते हैं, जैसे ब्लू आपने कलर लिया, अब ब्लू कलर से हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट कलर बनाना है। सो हम क्या करेंगे उसमें, जैसे एक तरफ हम ले लेते हैं टिंट को, एक तरफ शेड को, सेंटर में हमने जो अपना ब्लू कलर है वो रख दिया। अब टिंट का मतलब क्या है कि अगर हम ओरिजिनल कलर जो हमारा ब्लू है, अगर उसमें हम वाइट कलर की क्वांटिटी को मिक्स करेंगे परसेंटेज में, ठीक है, सो उसकी जो डार्कनेस होगी क्या होगा, वो लाइटर की तरफ मूव करेगा। तो टिंट में का मतलब है कि जब कलर का डार्कनेस कम होता है और लाइटनिंग जो है वो बढ़ती है, सो उसको हम टिंट कहते हैं। एंड अगर हम उसी कलर में, मींस बेस कलर में, अगर हम ब्लैक कलर को ऐड करते हैं तो उसकी जो डार्कनेस होगी वो इंक्रीज होगी। सो जैसे जैसे हम ब्लैक कलर की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो डार्कनेस जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो टर्म क्या कहलाता है, वो शेड टर्म कहलाता है, ठीक है। तो इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये शेड है, अगर आप इस तरफ देखेंगे तो वो क्या है, टिंट है। सो वाइट एंड ब्लैक का जब हम क्वांटिटीज़ को बढ़ाते या घटाते हैं सो उसके अकॉर्डिंग हमको मोनोक्रोमेटिक कलर्स मिलते हैं। सो हम मोनोक्रोमेटिक कलर को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे भी बना सकते हैं। लाइक हम जैसे आप कोई भी पेंट अगर जाएंगे परचेज करने सो वहाँ पे एक वो कैटलॉग शो करते हैं, ठीक है। सो अगर आप उस कैटलॉग को देखेंगे ना सो वहाँ पे जो कलर स्कीम होती है तो उसमें आप देखेंगे सेम कलर होगा, मल्टीपल उसके शेड्स होते हैं, कहते हैं भैया ये शेड्स हैं इसके, ये डार्क शेड है, ये लाइट शेड है। तो डार्क शेड होता है हमारा वो जिसे ब्लैकिश कलर हम ऐड करते हैं, और जो लाइट कलर होता है उसमें क्या करते हैं हम, जो टिंट शेड्स होता है मीन्स लाइट शेड्स, उसमें वाइट कलर की कॉम्बिनेशन ज़्यादा रहता है। सो ये है बेसिकली प्रोसेस कि हम कैसे मोनोक्रोमेटिक कलर को बनाते हैं। सो अगर आपको भी अपने घर में मोनोक्रोमेटिक कलर कराना है, खासकर इंटीरियर में, सो आप मोनोक्रोमेटिक कलर करा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कलर चॉइस, कौन से कलर आपको पसंद है। एंड ये कुछ ग्लिम्प्स हैं, आप इसको देखिए स्क्रीन पे और आप देखिए कि कैसा मोनोक्रोमेटिक कलर कराने के बाद कैसा लुक आता है। सो अगर आपको भी मोनोक्रोमेटिक कलर अपने घर में कराना है तो आप इसी तरह से करा सकते हैं। सो आई होप आपको भी पता चल गया होगा कि मोनोक्रोमेटिक कलर्स हैं क्या, कैसे बनते हैं एंड कैसा दिखता है। सो अगर आपको ये नॉलेज अच्छा लगा है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने थॉट को कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए, ठीक है। अगर नहीं पसंद आता है तो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आया है, ठीक है, जिससे हम वीडियो को और आगे इंप्रूव कर सकेंगे। सो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए थॉट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।